काले हो चुके हंस। पशु के समुदाय से और इंसानों के हाथों शिकार होने से बचे हुए सफेद बाघ भाई। हमारी पृथ्वी के रक्षक पेड़ भाई। और हमारे प्यारे शेर भाई। नमस्ते, आइए आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हमारी प्रतियोगिता प्रदूषणों के सरताज। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हवा प्रदूषण को। नमस्ते, मैं इस धरती की प्रदूषित हवा। आप लोगों ने दिल्ली वालों के मुंह से मेरी तारीफ तो सुनी होगी। मैं इतनी प्रदूषित हूँ, इसके प्रमाण के लिए मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हाँ, दिखाइए। ये देखिए, ये है वडोदरा में रहने वाले लोगों के फेफड़े लाल लाल। और ये देखिए, ये है दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़े काले काले। ये मेरा ही कमाल है। हवा प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तो मनुष्य का ही है। ये आसमान में काला धुआं उसी की देन है। हवा को शुद्ध करने का एकमात्र साधन पेड़ को भी इन लोगों ने काट दिया। इसीलिए प्रदूषणों के सरताज प्रतियोगिता की विजेता तो मैं ही बनूंगी। जी जी, ये पानी है या केमिकल? सही है दिलाए शेर भाई। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जल प्रदूषण को। नमस्ते, मैं हूँ जल प्रदूषण। कहते पानी का कोई रंग नहीं होता, किंतु कभी आपने कारखानों से निकलते काले, पीले, नीले, लाल और हरे पानी के देखा ही होगा। ये सब मनुष्य के कारण है। आज के प्रदूषणों को देखकर लगता है कि यह प्रतियोगिता तो मैं ही बनूंगी। इसलिए प्रदूषणों की सरकार प्रतियोगिता की विजेता तो मैं ही बनूंगी। अरे वाह, और अब मैं बुलाना चाहूंगी थल प्रदूषण को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी धरती माता। आजकल मैं जहरीली केमिकलों से इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि कई जगह तो मैं बंजर हो चुकी हूँ। इसलिए प्रदूषणों के सरताज प्रतियोगिता की विजेता तो मैं ही बनूंगी। अरे एक मिनट तक प्रदूषित हवा लेने के बाद तो कोई जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए यह प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। अरे तुम पीछे हटो, तुमसे बड़ा प्रदूषण तो मेरा है। नदी, नाले और समुद्र के पानी में जितने भी जीव थे मैंने सबको मार दिए। इसलिए प्रदूषणों की सरताज प्रतियोगिता की विजेता तो मैं ही बनूंगी। प्रदूषण की वजह से कई नई नई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। अरे लड़ाई करना बंद कीजिए। ये विधान समान नहीं है। हमें लगता है कि सभी प्रदूषण एक समान ही है, इसलिए इस प्रतियोगिता के जीता आप तीनों ही हैं। हिंदी में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी बहनी। मनुष्य अभी नहीं समझ पाए तो क्या होगा। ये मनुष्य इन तीनों पदार्थों को नहीं संभाल सके तो इस धरती पे रहना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारे पास पानी, हवा और धरती को बचाने के लिए कई उपाय हैं। जैसे हमें प्लास्टिक के थैले के बजाय कागज के थैले का उपयोग करना चाहिए। हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें पानी के अंदर तरह तरह के केमिकलों का विसर्जन करके उसको गंदा न
नहीं करना चाहिए। वायु प्रदूषण से छुटकारा पाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और वायु प्रदूषण को दूर भगाइए।